ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जेक सुली और नेटेरी ने पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जेक को उसके साथ ही डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटेम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी तरह जेक नेटेरी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगा। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था और क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ही रखकर उसकी देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वो अपना परिवार मानता था, लेकिन नेटेरी के लिए अब भी वो एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जेक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। वो सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक नया तारा दिखा और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा पर आ रहे थे। पर इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था और एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हम वहाँ के लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार किसी और का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने इसके पहले वाले पार्ट में मार डाला था। उसमें कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की मदद से डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जेक सुली को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर वहाँ पे चल रहे उनके काम में बाधा डालता रहता था। और आज भी वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक हथियार से भरे ट्रेन पर हमला करके सारे हथियार को लूट लेता है। वहीं पे हम उसके दोनों बेटों को देखते हैं। वो भी अपने डैड की तरह ही काम करना चाहते थे और इसीलिए वो भी वहाँ के हथियारों को लूटने चले गए। पर उसी दौरान वहाँ पर हुए एक हवाई हमले में नेटेम घायल हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं और जेक उसे बचाकर घर ले आया। वहाँ पे बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफा में छुपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ पे आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहाँ पे जेक अपने बेटों को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पे पहुंचते हैं। वहाँ की जनरल उसे बताती है कि जेक उनके लिए आए दिन मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो उन्हें किसी भी हालत में जेक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पे जेक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे। वो कर्नल उस जगह पे जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पे जेक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो ये बात जेक को बता देते हैं। जेक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उसके आदमी आ गए जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन तब तक वहाँ पर जेक और नेटेरी भी पहुँच चुके थे और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जेक अब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं वो उन्हें उनका पता ना बता दे जिससे उसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते थे। इधर स्पाइडर को वो लोग जेक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे, पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है। इधर जेक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से कहीं और जाने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे वो इंसान कभी ढूंढ ना सके। और बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुँचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पे रहने में सक्षम थे। वहाँ के सारे लोग उन्हें देख कर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोग को देख कर थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ी ही देर में वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जेक उनसे आग्रह करता है कि वो उसकी फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाजत दे दे, पर वहाँ का मुखिया उससे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जेक का मानना था कि वो लोग बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वो अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वो वहाँ पे आराम से रह सके। मुखिया उसकी बातों को मान लेता है
और उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देता है। वो अपने बेटे और बेटी को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाए, और उसी दिन से वो लोग उनके साथ पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी के अंदर बहुत ही आराम से रहना सीख गई थी। जेक भी वहाँ के मुखिया के साथ उन पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चुनने आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नावी बन जाए, और बहुत ही जल्द वो एक इकरान को अपने लिए चुन लेता है। जेक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किटी के भाई नेटेम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जेक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है और इसीलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे। अगले दिन रॉक्स जाकर मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे लेकर वो एक जगह पे आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे वो लोग शिकार करते हैं, और जब रॉक्स वहाँ पे शिकार करने जाता है तो वो सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रॉक्स ने अपने तीर से वहाँ की एक मछली को मारा, वो देखता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं, और तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लिया, लेकिन अब उसकी सांसें खत्म हो रही थी इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन वो मछली एक बार फिर से उसके ऊपर झपटती है और वो जैसे ही उसे मारने वाली थी कि तभी एक बहुत ही बड़ी सी वेल आकर उस मछली को मार देती है, लेकिन रॉक्स की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को उसी वेल के ऊपर पाया। वो उस वेल का शुक्रिया कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई। तभी वो देखता है कि उस वेल के फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को वहां से निकाल देता है, और अब ऐसा लग रहा था कि वो वेल उसे अपना दोस्त मानने लगा है। वो उसे लेकर उस आइलैंड पर पहुंचा देता है जहाँ पे सभी लोग रॉक्स को काफी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती की सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। इस बात से अब वो लड़का भी उसका सच में दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक्स सबको बताता है कि एक वेल ने उसकी जान बचाई जिसका ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पायाकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नावी को मारा था। लेकिन रॉक्स ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहां से सीधा पायकन से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। वो पायकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की खोज में था। वो एक बहुत बड़े से जहाज जो टुकून का शिकार किया करते थे उनकी मदद से वो वहां से दूर हरेक आइलैंड की छानबीन करने का सोचता है, और थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर करके उनसे जेक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था इसीलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देता है। जेक उसी आइलैंड के दूसरी छोर पे रह रहा था। वहां का मुखिया उसे बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके के टुकून का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। इधर रॉक्स पायकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था जिसमें कई नावी और टुकून मारे गए, लेकिन सबने उसे ही किलर समझा। इधर वो हंटर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े से टुकून को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से वो कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसीलिए वो काफी महंगा भी बिकता था। वो लोग उस टुकून की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी हुए क्योंकि वहाँ के रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह ही थे। वो सब गुस्से में अब उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनसे कई गुना ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। वहीं रॉक्स को पायकन की चिंता हो रही थी इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगे। वहीं वो देखते हैं कि पायकन को एक तीर लगी हुई है और वो सब जल्दी से उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, और तभी वो देखते हैं कि हंटर्स की शिप बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है। रॉक्स जल्दी से सारी बातें अपने डैड जेक को बताता है और जेक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है।
वो लोग बहुत ही मुश्किल से पाइकन के शरीर से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वो हंटर उन सब के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जेक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकरान से उठाकर उस शिप पर ले आता है और उन सबको कैद करके वो जेक को अपने पास बुलाता है। जेक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसने उसे अकेला ही आने को कहा था, पर तभी अचानक से पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और वहां पे चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जेक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर अब हमला कर रही थी। उन सारे बच्चों को भी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं और वो शिप भी अब टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाला था। उसी लड़ाई में भागने के दौरान जेक के बड़े बेटे नेटेम को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जेक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जेक और नेटेरी अब पूरे गुस्से में उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां शिप पे पहुंचते ही वो दोनों घायल शेर की तरह उन सब पर टूट पड़ते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन वो कर्नल किटी को चाकू की नोक पे रखकर जेक से उसका हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जेक सबको वहां से जाने का बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। जेक आखिरकार किसी तरह कर्नल को मारकर वहीं पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इधर नेटेरी भी अपने सबसे छोटी बेटी के साथ उसी शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी कहीं बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेटेरी के पास किटी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जेक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकाल लाया। और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। वो कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ही चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है। वही मूवी के अंत में जेक के बेटे नेटेम को उनकी देवी एवा को सौंप दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।